मुझे लग रहा है अभी मैं रॉकेट के काफी ज्यादा पास आते जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं तेल प्रोसेस करने वाला हूँ। ऐसे मेरे को पता है अभी रॉकेट फ्यूल तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ डीजल वगैरह ये चीजें मैं प्रोसेस करने वाला हूँ। और मेरे को जमीन से तेल भी ढूंढना पड़ेगा। और एक चीज और, जो मेरा वो पहले रह गया था ना, काम नहीं कर रहा था, अभी वो काम करेगा ढंग से, पर शायद से मेरे को सोना पड़ेगा पहले। अभी ये हिबाची का मैंने जुगाड़ किया है थोड़ा सा, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। मेरा जो ये वाला चल रहा था, इधर से मैं ये वाला वुडन गियर बॉक्स इधर लाया, फिर इधर से नीचे जा रहा है और नीचे से यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ चलती है जो कि चलता है ये वाला, ये चलता है, इसका फेस इस तरफ होता है शायद। और चल नहीं रहा ना ये, क्योंकि काम इसलिए नहीं करता क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना, इसको मेरे को ऑन ऑफ करना पड़ेगा तब ये जाके चलेगा। तो मेरे को एक काम और करना पड़ेगा, एक रेडस्टोन ब्लॉक चाहिए, और इसको मैं टाइम सेट कर दूँ 20। ठीक है, अब ये चलता रहेगा ऐसे, तो ये ऑन ऑफ करेगा वुडन गियर बॉक्स और ये चलता रहेगा। अभी मेरे को चाहिए दो चीज़, एक हिबाची और एक रेडिस्टोन का ब्लॉक, वैसे कुछ भी लगा सकते हो, इसको बस एनर्जी चाहिए, मतलब ऑन चाहिए इसको। तो क्या करना है, नीचे गड्ढा और एक ये क्या बोलते हैं रेडिस्टोन ब्लॉक और एक ये, हो गया चालू भाई, मेरे को ये लगाना है। हो गया भाई जुगाड़, अभी ये ब्लू फायर कर देगा, हो गया। तो यहाँ से अभी मैं बना सकता हूँ चीज़ें जो मेरे को बनानी थी, मेरे को पोटैश बनानी थी। ऐसे मैं इसमें लकड़ी डालूँ तो पोटैश बन जाएगी, काम करेगा। अच्छा मेरे को लोग वगैरह डालने पड़ेंगे, या मेरे को सोडस, अरे काम तो कर रहा है, स्लो स्लो काम कर रहा है, मेरे पास सोडस भी है। ये सोडस तब मिलता है जब मैं यहाँ से लकड़ियाँ काटता हूँ, मतलब लोग से उसे बनाता हूँ मैं, तो ये डालते हैं सोडस, इससे मिलेगा। और इसको निकालो, ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है बनने में। ओ बना एक पोटैश, हो गया भाई दोनों टास्क पूरे। अब मेरे को तेल की खोज करनी पड़ेगी, जिसके लिए मेरे को एक ये बनाना पड़ेगा, कोर सैंपल ड्रिल, ये ड्रिल करता है और तेल को ढूंढता है नीचे से। ऐसे भी बनेगा ये, ये ड्रिल है, ड्रिल के काम आएगी, थोड़े से कनेक्टर और थोड़ी सी ये चीज़ें, क्योंकि मेरे को ड्रिल करना पड़ेगा पहले तेल, तभी मैं आगे का काम कर पाऊँगा। जो मेरे को पंप वम्प लगाने हैं ना, वो तभी लग पाएंगे जब मेरे को पता चलेगा कि कहाँ पर तेल है। और एक चीज़ और, मेरे को चंक भी देखना पड़ेगा कि मैं कौन से एरिया में हूँ, जैसे ये वाला चंक या इस वाले चंक में काम करना है। चलो पहले इस वाले में ही देख लेते हैं यहाँ पर तेल है कि नहीं। तो एक ये आएगा और ये, यार ये लगता भी मुश्किल से है। ओके शिफ्ट दबा के लगता है, और शायद से वहाँ से लेके यहाँ तक तार आने, अरे इसको बंद करो पहले, लगता नहीं मेरे को वहाँ से यहाँ तक तार आ भी जाएगी, एक मिनट देखते हैं फिर भी। आ गई तार, अच्छा एक बीच में ये रह गया ना ब्लॉक, कोई नहीं चलो दोबारा लगाते हैं। ओ भाई भाई भाई, ओ यार मैं कैसे भूल जाता हूँ, ये हाई वोल्टेज करंट है और ये चल रहा है अभी नहीं, तो इसको मेरे को राइट क्लिक करना। अभी देखो इसमें घूम रही है ड्रिल, तो ये ड्रिल करेगा और तेल ढूंढ के देगा। जब ये ऊपर आ जाएगा तो मेरे को इसके राइट क्लिक करना होगा, ये बंद होएगी शायद। हाँ अभी राइट, हाँ आ गया शायद मेरे पास, ये रहा जहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, ये अदृश्य होता है, दिखता भी नहीं है ढंग से। चलो इसको कहीं और ट्राई करते हैं। और एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, बहुत ख़ास चीज़ है कि मैं अपनी पिकैक्स को अनब्रेकेबल बना सकता हूँ, जो ये वाली पिकैक्स है। अभी मैंने दूसरी पिकैक्स बनाई है, जो कि मैंने कोरेलियम और फेरी और नाइट को मिला के बनाई थी। अब इसको पता है कैसे मैं ऐसी बना सकता हूँ कि कभी भी ना टूटे, उसके लिए मेरे को इसमें मॉडिफायर ऐड करने पड़ेंगे। अभी देखो इसमें तीन मॉडिफायर है, और चौथे मॉडिफायर के लिए मेरे को एक्सपी लेवल बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसे माइन वगैरह करता हूँ मैं तभी एक्सपी बढ़ते हैं, तो इसके टोटल 5 हो जाएंगे, तब जाके मैं इसमें एक वो डाल पाऊँगा मॉडिफायर, जो कि ये वाला डलेगा मॉडिफायर, और मेरा काम हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें कोई मॉडिफायर अभी तक डाला भी नहीं है, मैं सोच रहा पहले इकट्ठे कर लेता हूँ उसके बाद ही इसमें कुछ डालूंगा। बाकी मैंने इसमें वो डाला हुआ है एक, जिससे एक साथ बहुत सारे ब्लॉक तोड़ सकते हैं, मैं भूल भी गया क्या होता है भाई वो। ओके जाने दो, यहाँ पर करते हैं अपना जुगाड़। अभी मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी का यूज़ करते हैं थोड़ा, ये रही बैटरी, LV कैपेसिटर, थोड़ी सी लो वोल्टेज की चीज़ें चाहिए होगी, क्योंकि मेरे को अलग अलग जगह पर ट्राई करना पड़ेगा ना इसको, तभी मैं यहाँ तक करंट ला पाऊँगा। ओके एक बार और देख लूँ, ये भी एक चंक है, यहाँ देखते हैं यहाँ पर काम करेगा कि नहीं। तो ये इस पर राइट क्लिक कर रहा है वो, ओके काम नहीं कर रहा यार कुछ तो। अच्छा ये तो इनपुट पे सेट है, मेरे को हथौड़ा चाहिए होगा। और एक बार मेरे को तेल मिल जाए ना मेरे एरिया में, मेरा काम हो जाएगा। ओके अभी शायद से चलेगा, मेरे को खाली हाथ करके इस पे, चल रही है। इसमें बैटरी कितनी, चलो कोई नहीं एक बार ये आने दो अभी। ओके रुक गई बैटरी, अच्छी बात है, कई बार मैं टेस्ट कर सकता हूँ फिर। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तेल है भाई, ठीक है मेरे को मिल गया तेल, इसको यहीं पे लगा शिफ्ट दबा के। ओके यहाँ पर तेल है, और कितना तेल है, 4 लाख, 4 लाख नहीं है, 4 मिलियन है,
ये पेड़ भी मेरे को हटाने पड़ेंगे फिर, क्योंकि यहाँ मशीनें सेट होएगी ना। पहले मेरे को एक काम और करना पड़ेगा, वहाँ तक बिजली भी लानी पड़ेगी मेरे को। बिजली तो यहाँ से आ जाएगी, बस थोड़ा ऊपर ऊपर ले जाना पड़ेगा सारी चीज़ों को। पहले मेरे को इसको हथौड़े ओके अभी आउटपुट है। अब मेरे को यहाँ से वहाँ तक वायर ले जानी पड़ेगी। इसमें वायर करंट तो पता ही नहीं। अच्छा आ रहा है, ठीक है। ओ भाई मैं मरते मरते बचाऊँ, ये गलत चीज़ थी भाई। हो मेरे को हेल्प चाहिए, अगर मैं दोबारा टकराया तो मैं तो मर ही जाऊँगा इस बार। चलो थोड़ा दूर दूर से करते हैं भाई, ये बहुत खतरनाक होता है काम। तो अभी मेरे को बनाना है ऑयल प्रोसेसिंग में जाके पंप जैक, ये चीज़ बनानी है। इसके लिए 11 स्कैफोल्डिंग, क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए। मेरे पास सारी चीज़ें हो गई ना, बस 2 हैवी इंजीनियरिंग ब्लॉक चाहिए। ओके ये भी हो गया, शायद से सारी चीज़ें मेरी पूरी हो गई। तो इसको मेरे को वहीं पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने तेल की खोज की अभी, क्योंकि वहीं से ही तेल निकलने वाला है इसलिए। तो यहाँ लगेगा, ऐसे करके लगाऊँ। अगर ऐसे लगाता हूँ तो मेरे को बिजली का भी जुगाड़ हो जाएगा और इनपुट आउटपुट दोनों मिल जाएंगे। और इसको हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही फैक्ट्री के बिल्कुल चिपक के है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ये। मेरे को पहले सोना पड़ेगा, दोबारा से चेक करना पड़ेगा इस मशीन को। तो थोड़ा सा मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया यहाँ पर, और यहाँ मशीन लगाऊंगा मैं। मेरे को सबसे पहले ये लगाना, पहला ही ब्लॉक गलत लगाया। सही है भाई, यहाँ पर हैवी नहीं लगेगा। तो लाइट ब्लॉक, और मेरे को स्कैफोल्डिंग चाहिए। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग और 4 पाइप लगेंगे यहाँ पे ऐसे करके। मेरे को पहले ये लगाना पड़ेगा और ये यहाँ पे लगेगा। ओके अब ये लगेगा। बाकी मेरे को फेंस लगानी है, ये सा ऐसे ब्लॉक है स्टील का। लगाने के लिए जगह तो दे दिया करो भाई, यहाँ पे लगेगा। बस बन गई मेरी मशीन। ओके ये है वो तेल निकालने वाली मशीन, बस मेरे को इस पे हथौड़ा मारना पड़ेगा। ये नहीं पता कहाँ पर लगेगा हथौड़ा, पर लग जाना चाहिए। ओ ठीक है, यहाँ पे लगना था। ठीक है भाई, मशीन बनके तैयार हो गई और बिल्कुल सही आउटपुट मिला है। यहाँ से आउटपुट होता है इसका, और यहाँ से भी आउटपुट होता है। अच्छा दो दो आउटपुट होते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे को एक बटन लगेगा जो कि ऑन ऑफ के लिए होगा, और ये बिजली के लिए। तो बिजली का जुगाड़ कर देते हैं पहले। अच्छा शिफ्ट दबा के लगता है, और लीवर है मेरे पास, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी से इसको लीवर वाला बना दूँ साथ में। चलो भाई बस करंट देना इसको। मशीन चालू हो गए भाई, सही स्पीड में चल रही है अभी तो। और तेल निकालना शुरू हो रहा है भाई, कितना तेल पूरा तो भर ही गया भाई। इसको बंद करो एक मिनट, ये तो बिजली बता रहा है ना IF, मैं क्या देख रहा हूँ। और ये पेड़ क्यों गया यहाँ पर? अरे यार एक तो ये दिक्कत है ना, मैं इसके जैसे ही पास जाता हूँ मेरे को करंट लगता है। चलो हमारे पास ये मशीन आ गई ना, अगला काम करते हैं। मेरे को एक मशीन और बनानी पड़ेगी। मशीन नहीं है, एक टैंक है जो बहुत बड़ा टैंक होता है, और वो फिल्टर करेगा सारे तेल को। अभी तो मेरे पास जो मिल रहा है ना वो सिर्फ तेल मिल रहा है, और मेरे को उसको फिल्टर करना पड़ेगा किससे, ये वाली, ये डिस्टिलेशन टावर से। ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बस इसके लिए बहुत कुछ चाहिए होंगे, 25 स्कैफोल्डिंग वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें है भाई। ओके 4 भी आ गए, शायद से भी मेरे पास सारा सामान होएगा। सारा है, चलो बनाते हैं इसको। ओके तो इसको मैं इसके पास ही लगाऊंगा ताकि इसमें से पेट्रोल मैं भर सकूं। पर मेरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ से इसका इनपुट आउटपुट है। पहले ना पाइप लगा लूँ मैं बस 4 ब्लॉक तक का। अभी देखते कि कहाँ से, यहाँ से शायद से आउटपुट होएगा। नहीं, ये यहाँ से नहीं है यार, पता ही नहीं चल रहा इसमें आउटपुट इनपुट किधर से है। चलो इसको बनाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, ये प्रोसेस करना पड़ेगा मेरे को बार बार। ऐसे हो गया। अभी कोई नहीं बता रहा, ठीक है इतना बड़ा बनता है ये टावर से फिल्टर होने वाली है सारी चीज़ें। तो बस इस पे हथौड़ा मारना है, मारना, ओह लग गया। ओके भाई बन के तैयार, पर यहाँ से आउटपुट है, और मैंने गलत लगा दिया यार। इनपुट कहाँ से है? पीछे से इनपुट है भाई। अरे मेरे को ये वाला सिस्टम ना इस तरफ रखना चाहिए था, गलत बनाया मैंने। अब इस मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा सारा, फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। कोई नहीं, हमारे पास एक्सीवेटर है, आराम से टूट जाएगी चीज़ें। शायद इसमें पाइप सही लगा। अरे एक मिनट, मैंने इसको चालू ही कहाँ किया है अभी। पहले मेरे को इसको हथौड़ा मारना पड़ेगा इस रेड ब्लॉक पे। हो गया काम। तो अभी पाइप अभी भी गलत करा मैंने, लेकिन कोई नहीं, इतना पाइप मैं घुमा सकता हूँ। बस मेरे को इतना घुमाना है, ये गलत पाइप लगाए यहाँ पर, बाकी इतना घुमाना था मेरे को। ओके यहाँ से जाएगा तेल इसके अंदर, जा रहा होगा तेल, नहीं जा रहा, इनपुट ही है वैसे। और यहाँ से तेल इसके अंदर पहले चालू करूँगा तभी तो जाएगा। और इसमें बिजली का जुगाड़ कहाँ से, यहाँ से है बिजली का जुगाड़। तो यहाँ बिजली लानी है, ये यहाँ नहीं लानी, यहाँ लानी है और यहाँ लानी है बिजली। तो एक ये यहाँ पर, एक ये यहाँ पर। मेरे को पता है इनसे करंट बहुत तगड़ा लग सकता है मेरे को, पर करना तो है ही भाई, ऐसे ही होएगा ये काम। ये यहाँ पर ओके तार आ गई,
उधर जाना ही नहीं है भाई, करंट बहुत तगड़ा है वहाँ पर। और ये तार यहाँ से यहाँ पे, ओके ये यहाँ पे चल गई शायद मशीन। अब बस मेरे को इसको चालू करना है। ठीक है, चालू हो गई भाई। क्या मस्त लग रही है वैसे। तेल आ रहा है इसमें, तेल आ रहा है। ठीक है, तीन चीज़ें बननी शुरू हो गई। डीजल बन रहा है और ये मोल्टन नेप्टा बन रहा है। तीसरी चीज़ और बनेगी जो कि मेरे को आउटपुट से मिलेगी। और एक चेस्ट यहाँ पर लगता है। देखो यहाँ से कचरा मिल रहा है ना, बेटोमेन जो भी है, इसके लिए मेरे को एक चेस्ट लगाना पड़ेगा बस। अब मेरे को इस एरिया को भी बढ़िया करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये मेरा पेट्रोल पंप है, थोड़ा सा छोटा सा मतलब। और यहाँ पर आएगा चेस्ट, बाकी इसी के अंदर जाता रहेगा सब कुछ धीरे धीरे। अरे ये तो भरता भी जा रहा है भाई, डीजल और नेफ्टा तो भर भी गया। किसका स्पेस कितना होता है यार, बहुत कम स्पेस है। मेरे को इसको बंद करना पड़ेगा एक मिनट, क्योंकि स्टोर भी तो करना है। स्टोर के लिए जुगाड़ तो किया ही नहीं मैंने। और इसका आउटपुट किधर है? आउटपुट पीछे है। ठीक है, यहाँ पे करना पड़ेगा फिर। ओ लकड़ियाँ ही तो काट रहा था मैं। ये हाई वोल्टेज का करंट बड़ा खतरनाक होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था मेरे को। हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब बस मेरे को स्टोरेज के लिए एक चीज़ और बनानी पड़ेगी, जो कि मेरे को इसमें कभी मिल, हाँ कंस्ट्रक्शन में मिलता है टैंक, ये वाला टैंक। यार मेरे को सोना ही पड़ेगा, मेरे को डर लगता है यहाँ पर कभी कभी कोई क्रीपर व्रिपर आ गया मेरी चीज़ें ख़राब करेगा। और कुछ नहीं, थोड़ी सी और चीज़ें बनानी पड़ेगी मेरे को। मेरे को ये बनानी पड़ेगी शीट मेटल। ओ कुछ ज़्यादा ही बन गए भाई। मेरे को हथौड़ा मारना पड़ेगा, कहाँ पे शिफ्ट दबा के। हाँ लग जा, कुछ भी भाई, कहीं से भी चालू हो जाता है। ओके तो ये टैंक है जहाँ पर मेरी चीज़ें इकट्ठी होने वाली है, पर ये एक ही टैंक है। मेरे को ऐसे दो तीन टैंक बनाने पड़ेंगे यार, पता भी नहीं चल रहे मेरे को। ओके यही होगी। दो टैंक हो गए, चलो इनमें चीज़ें भेजते हैं। अभी शायद से मेरी दो चीज़ें निकल रही थी ना इसमें। डीजल भी निकल रहा है अभी तो। और डीजल से मैं डीजल वाले टैंक बना सकता हूँ, मतलब जनरेटर। टैंक नहीं, जनरेटर बहुत काम की चीज़ होती है। पहले इसको स्टोर करूँ, कुछ जा भी रहा है कि नहीं। शिफ्ट दबा के कैसे, इसमें शायद से चीज़ें है। एक चीज़ तो चली गई है, दूसरी चीज़ अभी गई नहीं है। पहले तो मैं तार को सही करता हूँ। यहाँ से ना तीन तरह की निकलती है तार, मैं बताता हूँ यहाँ से कैसे निकलने वाली है। ऐसे नहीं निकलने वाली। तो यहाँ से एक तार ऐसे करके, यहाँ से तीन तार निकलती है। अरे लगना भाई, तीन तार नहीं यार, पाइप है। तो पहला पाइप जाएगा इसमें, दूसरा पाइप जाएगा इसमें। अभी शायद से भर जाएगा ये। ये खाली क्यों नहीं हो रहा भाई, हो जाना चाहिए। ये मेरे को एक और टैंक, बहुत सही भाई, बिजली में घुस गया मैं फिर से। ओके एक टैंक और, इसकी भी वायर, वायर नहीं होती यार, पाइप होती है। पर जैसी भी ये पाइप तो पाइप है। हाँ अभी जा रही है। ठीक है, तीनों टैंक में अलग अलग चीज़ें जाएगी। अब ये नहीं पता कि कौन सी टैंक में क्या चीज़ है, ये तो पता ही नहीं रहा है भाई। ओके यहाँ थोड़ी सी चीज़ दिख रही है, इतनी सी भरी हुई है, तो इसमें वो भी दिख रहा होगा। हाँ ये डीजल है, और ये खाली होएगा, ये भी डीजल है। दो में डीजल आ गया गलती से। चलो अब इसको चालू करते हैं मशीन को भाई, अब टाइम आ गया चालू करने का। तो यहाँ से शायद से मेरे को दो ही वायर बहुत होती, मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया टैंक। कोई नहीं, पता चलेगा भी कि कौन सा बढ़िया है, किस में ज़्यादा चीज़ें आ रही है, धीरे धीरे पता चलेगा भाई। अभी बनेगा तेल से, तेल से वो बनेगी चीज़, और ये एक टाइम पे भर जाएगी। मैं इसको अभी निकाल देता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें बनती है इसमें। अभी अगर दो चीज़ें बनेगी तो ठीक है, फिर मैं एक टैंक हटा दूंगा यहाँ से। तो थोड़ा सा मैंने जुगाड़ किया है नीचे से। देखो एक पाइप तो नीचे से लेके गया यहाँ पर, और दूसरा पाइप ऊपर से है। अभी इनको बंद कर दूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर पाइप बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब देखो थोड़ा सा क्लियर हो गया एरिया, बस इस पाइप को थोड़ा सा और नीचे से लेके जाना पड़ेगा। चलो कर देते हैं वो भी, क्या जा रहा है। हो गया ये भी काम, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, नीचे से पाइप जा रहे हैं दोनों। अब बस इस मशीन को चालू करते हैं, दोनों चीज़ें बननी शुरू हो जाएगी। तो हमने डीजल की खोज कर ली है, और डीजल को एक बार मेरे को लेना पड़ेगा बकेट में। ये नहीं लेना पहले, मेरे को डीजल को लेना है। अरे नहीं, पहले मेरे को ऑयल को लेना है ना। यहाँ से ऑयल देगा कोई मेरे को? मैं ऑयल ले सकता हूँ एक और तरीके से। मेरे को एक टैंक चाहिए होगा, वैसे फुल भरा हुआ है, पर तोड़ना तो है ही। चलो बिखरा नहीं कुछ भी। अभी एक टैंक मैं यहाँ बीच में लगा दूंगा, तो इसमें भी भरना शुरू हो जाएगा, और इसमें भी भेजेगा। ये भेज रहा है। वो एक मिनट, मेरी मशीन ही स्लो हो गई है भाई। मशीन देखो क्या स्लो मोशन में चल रही है। कितनी बैटरी है, भर रही है अभी? एक बैटरी तो खाली है अभी। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि दोनों को एक साथ जोड़ दूं, मतलब दोनों की पावर यूज़ कर सकता हूं मैं। एक मेरे को एक यहां पर ये लगाना पड़ेगा। ओके बड़े आराम से लगाना है मेरे को एक कैपेसिट। आराम से नहीं लगाया वो, मेरे को पहले हथौड़े से ना उसको आउटपुट करना पड़ेगा। ओके और ये यहाँ पे अभी दोनों से करंट जाएगा, अब शायद से बढ़िया स्पीड में चलेगा। तो अब दोनों में जाएगी। हाँ इसमें भी जा रहा है, और ये भी भरेगा, दोनों चीज़ें भरेगी अभी। चलो डीजल लेते हैं,
टास्क हो गया मेरा। और ये भी लेना है क्या? ना ये भी नहीं। ओके, अगर मैं बकेट साथ में लेता हूँ तो मेरे को बताता है कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है। बकेट हाथ में रखनी पड़ेगी मतलब चेक करने के लिए। अगर मैं डीजल को इसी वाले में डालूंगा ना टावर में, तो मेरे को मिलेगा कैरोसिन, गैसोलीन और एक लुब्रिकेंट। और इस वाली चीज़ से क्या मिलता है? नेप्टा से। नेप्टा से कुछ और है। अच्छा, ये दूसरी चीज़ के लिए, मतलब नेप्टा हमारे किसी काम का नहीं है अभी। हमारे लिए काम का है गैसोलीन। ये वाली काम की चीज़ है गैसोलीन। डीजल चाहिए यार, गैसोलीन क्यों चाहिए? डीजल इकट्ठा करना है जितना हो सकेगा, पूरा ये फुल भर जाएगा तब मैं एक टावर और बनाऊंगा ये, और उसको फिल्टर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, क्योंकि हमने भाई बहुत सारी खोज कर ली है, डीजल की खोज कर ली है, और आगे हम और भी चीज़ें खोज करने वाले हैं, और धीरे धीरे प्लास्टिक की खोज करने वाले हैं। प्लास्टिक के बाद जाने वाले सीधा रॉकेट की तरफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे गेमिंग एपिसोड में।